9 न्यूज पॉलिटिकल वाइब। बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के सामने आ रही है दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा जिसने दक्षिणी राज्यों की आप बात करेंगे तो दक्षिणी राज्यों को काफी दक्षिणी राज्यों को कवर कर लिया है, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश हो, वो कर्नाटक हो, बड़े बड़े जितने भी राज्य हो उनको कवर कर लिया है। लेकिन अब ये जो यात्रा है यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, ये पहुंचने वाली है महाराष्ट्र। कहा जा रहा 7 नवंबर को ये महाराष्ट्र पहुंचेगी और इसको लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एनसीपी चीफ शरद पवार, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यहाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए कांग्रेस और एनसीपी बेशक इससे पहले जो सरकार थी उसमें गठबंधन में थे, दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल थे। अब जब कई नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, उसके बावजूद अभी आप देखिए कि शरद पवार जो है यहाँ कांग्रेस के साथ नई रणनीति तैयार करने के लिए सीधा भारत जोड़ो यात्रा में ताकत झोंकने की यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो शामिल होने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब देखना ही होगा कि इस पूरी खबर का या इस पूरे मामले का, अगर वो शामिल होते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो इस पूरे प्रकरण का असर शिंदे सरकार पर कितना होता है जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में विराजमान है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।